केदारनाथ में आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण किया गया। इस दौरान नजर उस खास मूर्ति पर रही। मूर्ति है ही कुछ ऐसी कि नजरें हटाई ना जा सके। सवाल भी कई सारे आते हैं कि आखिर किसने मूर्ति को बनाया होगा, किस चीज से बनाई गई होगी मूर्ति, कितने दिनों में ये मूर्ति तैयार हुई और आखिर इसकी खासियत क्या है। पहले जानिए इस मूर्ति की खासियत। मूर्ति 12 फीट ऊंची है। इसमें से 3 फुट शंकराचार्य का बैठा हुआ हिस्सा है, जबकि 9 फुट हिस्सा आधार है। इस मूर्ति को बनाया गया है 8 पत्थर के टुकड़ों से। मूर्ति का रंग गहरा नीला है, लेकिन हल्का कालापन लाने के लिए नारियल तेल और नारियल पाउडर का इस्तेमाल किया गया है। इस मूर्ति की खास बात यह भी है कि मौसम कोई भी हो, हालात कुछ भी हो, मूर्ति को नुकसान नहीं पहुंचेगा। अब सवाल ये कि आखिर इस मूर्ति को बनाया किस पत्थर से गया है। दरअसल इसे तैयार किया गया है कृष्णा शिला पत्थर से, और ये पत्थर काफी खास होते हैं। ऐसे पत्थरों का करीब 1000 साल से मंदिर निर्माण के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। ये पत्थर सबसे ज्यादा मैसूर जिले में पाए जाते हैं। चलिए बताते हैं कि आखिर इस मूर्ति को बनाया किसने है। इसे बनाया है शिल्पकार अरुण योगीराज ने, जिनका खानदान सालों से मूर्ति बनाने के काम में लगा है, और ये 5वीं पीढ़ी है जिसने इस मूर्ति को तैयार किया है। इसे बनाने में करीब करीब 10 महीने का वक्त लगा है। इस मूर्ति को बनाने की शुरुआत सितंबर 2020 में हुई थी, और इसे पूरी तरह से तैयार किया गया जुलाई 2021 में, और फिर इसे स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें करीब करीब 1 महीने का वक्त लगा, जिसमें 7 लोगों की एक टीम ने काम किया। पहले इस मूर्ति को मैसूर से चमोली एयरबेस तक सड़क के रास्ते लाया गया। चमोली एयरबेस से केदारनाथ तक चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए मूर्ति को पहुंचाया गया। मूर्ति को स्थापित करने के लिए मूर्तिकार और उनके साथी वहां गए थे। 7 लोगों की टीम ने 1 महीने तक इसकी स्थापना के लिए काम किया। खैर, मूर्ति को बनाना इतना आसान भी नहीं था। कई सारी चुनौतियां आईं, लेकिन सारी चुनौतियों से निपटते हुए इस खास मूर्ति को 10 महीने में तैयार कर लिया गया।